टीच मी डेली के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोज अपलोड करते रहते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें और ट्विटर में हमें फॉलो कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए, कई लोगों को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 441 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। अब क्या करेंगे, अब 441 यहां पे लिख देंगे, जो भी नंबर गिवन होगा। उसके बाद राइट साइड से पेयरिंग करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, तो दो दो का पेयर बनाएंगे, दो का ये और ये सेपरेट बच गया। तो अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जैसे 2 2 4, 3 3 9। जैसे 2 2 करते हैं तो कितना आता है, 4। 3 3 करते हैं, 3 × 3, तो कितना आता है, 9। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो कि इसके बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। जैसे 1 1 1, 2 2 4, तो ये क्या हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 4 0, 4 1 ऐसी आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे। 2 + 2 4, और 4 यहां पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब 41 × 1 करेंगे या फिर 42 × 2 करेंगे, 43 × 3 करेंगे। तो जिस नंबर से पूरा कट जाए या फिर जो उससे लेस हो उस नंबर को हम लिख देंगे। तो 41 1 41, तो ये क्या हो रहा है, देखिए 41 अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 41 1 41, तो ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आया, 21। 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं और इसे सही से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 4225 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम दो दो के पेयर बनाएंगे, दो का ये बन गया, दो का ये। पेयरिंग हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की ओर को करेंगे। 1 1 1, 2 2 4, ऐसे ही 3 3 9। तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए या फिर उससे छोटा हो, थोड़ा छोटा हो। तो जैसे 5 5 25 होता है, इससे छोटा है। 6 6 अगर करते हैं तो 36 होता है। 7 7 अगर करते हैं तो 49 होता है, लेकिन 49 42 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, 6 6 36 करते हैं, तो क्या है, 36 इससे छोटा है। तो 42 - 36 6, ये दो यहां पे आ जाएंगे, 25। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 6 + 6
12 और यहाँ पे लिख देंगे, तो 121 इंटू 1 कितना होता है 121, 122 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है 144, 125 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है 625। तो ये क्या हो रहा, पूरा नंबर आसानी से डिविजिबल हो रहा है। तो 4225 का स्क्वायर रूट कितना होगा 65। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, 66049, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले पेयरिंग हो जाएगी दो दो की, ये नंबर ऐसे ही बच गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये 6 पूरा डिविजिबल हो जाए, या फिर जो कि 6 से थोड़ा छोटा हो। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 2 2 जा 4, अगर 2 2 जा कर रहे हैं तो कितना आ रहा 4, जो कि 6 से छोटा है। तो 6 माइनस 4 2, 60 ऐसे आ जाएगा नीचे, 2 प्लस 2 4, 41 1 जा 41, 42 2 जा 84, 45 5 जा अगर करते हैं 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 46 into 6 करते हैं, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। तो कौन सा वाला फिट बैठेगा इसमें, 225 वाला, मीन्स 45 5 जा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 225। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां से एक बोरो लेंगे तो 10 माइनस 5 5, यहां बच जाएगा 5, 5 माइनस 2 3 और ये 49 ऐसे आ जाएगा यहां पे। अब क्या करेंगे, 45 प्लस 5 करके यहां पे लिखेंगे, 45 प्लस 5 50, तो 501 इंटू 1 करते हैं तो 501, 505 करते हैं इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 0 जा 0 0, 2, 5 5 जा 25। तो ये 3 5 4 9 से बहुत छोटा है, तो हम करते हैं 507 इंटू 7 करते हैं तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 0 जा 0 4 आ गया, 5 7 जा 35। तो 507 इंटू 7 कर रहे हैं तो ये नंबर पूरा आसानी से डिविजिबल हो जा रहा है। तो 507 इंटू 7 3 5 4 9, तो 66049 का स्क्वायर रूट कितना होगा 257। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने डिविजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में जरूर शेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।